चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी फेस्टिवल मेकअप लुक। हाँ जी, जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप इस लुक को आराम से किसी भी फेस्टिवल में कर सकते हैं। आप इसे करवा चौथ पे कर सकते हैं, दिवाली पे कर सकते हैं, एंड ऑल्सो अगर आप कोई भी शादी अटेंड कर रहे हैं तो इस लुक को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि शादियों का सीजन भी पास में आ गया है। तो इसलिए अब जितनी भी वीडियो आएगी वो सभी के सभी फेस्टिवल सीजन से रिलेटेड होगी या फिर वेडिंग सीजन से रिलेटेड होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में जो छोटा सा बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं सिस्विटी का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज है, आप देख सकते हैं। मैंने अपने फेस के वन साइड अप्लाई किया है और ये कितना अच्छे से मेरे फेस पे अप्लाई हो गया। अब मैं फेस के अदर साइड अप्लाई कर लूँगी वन पंप। अभी आपको मेरा फेस थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा, बट ये फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये मेरे फेस पे बिल्कुल अच्छे से मैच होगा, इसलिए मैंने अपने स्किन टोन से वन टोन लाइटर यूज़ किया है। अब मैं अपने यूजली एरिया पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं इसे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही लाइट हैंड के साथ में आपको अपने कंसीलर को ब्लेंड करना है। अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी हार्श हुआ तो आपका फाउंडेशन रिमूव हो सकता है। अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी। कॉन्टोर करने के लिए मैं इनसाइड कॉस्मेटिक के करेक्टर पैलेट में से ये डार्कर शेड ले रही हूँ एंड इससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम स्टेप को आपको फॉलो करना है। मेरा फॉरहेड थोड़ा सा ब्रॉड है इसलिए मैं फॉरहेड पे थोड़ा सा हैवी कॉन्टोर कर रही हूँ। अब मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी एंड ऑल्सो मैं आज लिप कॉन्टोर भी कर रही हूँ। अगर आपको कॉन्टोर की डिटेल में वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं स्विस ब्यूटी के लूज पाउडर से अपने बेस को सेट कर रही हूँ। अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप किसी कॉम्पैक्ट से भी अपने बेस को सेट कर सकते हैं। अब आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप के लिए भी मैं सेम स्विस ब्यूटी का ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मैं एक लाइट ट्रांजेक्शन शेड को अपनी फुल आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी, देन डार्कर शेड को मैं अपनी आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। अपनी लोअर लैश लाइन पर भी मैं डार्कर शेड अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का जेल काजल ले रही हूँ। दिस वन इज टर्किश ग्रीन, इसे मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी, देन इसे मैं एक ब्यूटीफुल सा विंग क्रिएट करूँगी। मेरा विंग बहुत ही ज़्यादा शार्प नज़र आया, इसके लिए मैं एक एंगुलर ब्रश में प्रोडक्ट लेकर इस तरीके से अप्लाई करूँगी जिससे कि बहुत ही ज़्यादा एक शार्प लुक आएगा। देन ब्लू हेवन के ब्लू डिफाइनर से मैं अपनी ब्रोज को फिल करूँगी एंड ब्रश करूँगी। ब्रश करने से जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सब रिमूव हो जाएगा। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरी दोनों आईज पे। नेक्स्ट मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। आई मैजिक के ब्लश पैलेट में से मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके लूँगी, देन ब्लशर अप्लाई कर लूँगी। लिटिल बिट नोज और चिन पे भी मैं अप्लाई करूँगी, देन मैं हाईलाइटर के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ एंड अपने यूजली एरियाज को मैं हाईलाइट करूँगी। अगर आपको हैवी हाईलाइटर चाहिए तो आप पहले सेटिंग स्प्रे अप्लाई करें देन हाईलाइटर अप्लाई करें, उससे क्या होगा कि आपका हाईलाइटर बहुत ही ज़्यादा पॉपअप करेगा। अब मैं इनर कॉर्नर पर भी हाईलाइटर अप्लाई कर लूँगी, देन लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का ये रेड शेड ले रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, ये शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। और मैंने ड्रेस चेंज कर लिए, तो आप बताइए आपको मेरा आज का लुक कैसा लगा। अगर लुक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।